जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में कोरोना का ग्राफ आसमान को छू रहा था, उसको लेकर कोरोना टीकाकरण की भी कवायद तेज हो गई है। हालांकि अब कोरोना संक्रमित मामले काफी कम हो गए हैं। इसी को लेकर आज डीएम चंद्रशेखर सिंह द्वारा पटना के दो सेंटर होटल पाटलिपुत्र अशोक एवं पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24/7 वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है, जहां पर लोगों को अब 24 घंटे कोरोना का टीका दिया जाएगा। डीएम ने आज दोनों सेंटरों का उद्घाटन और निरीक्षण किया, वहां के कर्मियों से बातचीत की और कहा कि लोगों को टीकाकरण को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोनों ही सेंटर को सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। टीकाकरण के लिए काउंटरों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है, जिससे लोगों का टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। साथ ही स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी एवं जिला प्रशासन की टीम को 3 शिफ्टों में तैनात किया गया है। कोरोना के प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा जा रहा है। दिल्ली की तर्ज पर लोगों को गाड़ी में ही वैक्सीन देने की आवश्यकता भी यहां की गई है। टीका देने के बाद लोगों को आगे की प्रक्रिया भी पूरी तरीके से समझाई जा रही है। टीका लेने के बाद आने वाली दिक्कतें और दूसरे डोज को लेकर भी लोगों को सजग किया जा रहा है। इसी क्रम में जब पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह होटल पाटलिपुत्र अशोका में निरीक्षण करने पहुंचे, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अधिक जानकारी दी। पटना में दो ऐसे सेंटर बनाए हैं जो 24/7 काम करेगा। एक होटल अशोका पाटलिपुत्रा जो इनकम टैक्स चौराहा बीरचंद पटेल पथ पर है, और दूसरा हम लोगों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग को बनाया है। तो दोनों जगह हम लोगों के 24 घंटे केंद्र चलेगा और इस पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जिसमें पहले से रजिस्टर्ड लोग हैं उन लोगों का भी, और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी है। 18 प्लस के लोगों के लिए भी है और 45 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए भी है। फर्स्ट डोज की भी व्यवस्था है और सेकेंड डोज की भी व्यवस्था है। तो जिसका जिस प्रकार का रिक्वायरमेंट है, और ये 24 घंटे चलेगा, रात में भी चलेगा, उसके लिए अलग टीम हम लोगों ने लगाया है। और उद्देश्य इसका यही है कि टीकाकरण में किसी को कोई असुविधा नहीं हो, जो जिसको जब सुविधा हो वो तब आकर के यहाँ टीका ले सके। और विशेषकर जो वर्किंग लोग हैं, अपना काम काज व्यापार व्यवसाय नौकरी में इत्यादि में व्यस्त रहते हैं दिन में, तो उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा कि वो शाम को या रात में आकर के यहाँ टीका ले सकें। अभी हम लोगों ने 2 केंद्र शुरू किया है, और अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है, लोगों को सुविधा महसूस होती है, तो हम लोग इस प्रकार के और सेंटर बढ़ाएंगे।